सोलन के हॉस्पिटल रोड पर दो युवकों ने होटल के मैनेजर पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके चलते मैनेजर को गंभीर रूप से चोटें भी आई। घायल मैनेजर को सोलन अस्पताल से IGMC रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लिया और हमला करने वाले दोनों युवकों की तलाश आरंभ कर दी। हालांकि हमलावर युवकों को पकड़ना पुलिस के लिए कठिन था, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और वे दोनों हमलावरों की तलाश में जुट गई और कुछ ही घंटों में दोनों युवकों को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। सोलन के हॉस्पिटल रोड पर दो युवकों ने होटल के मैनेजर पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसके चलते मैनेजर को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। घायल मैनेजर को सोलन अस्पताल से IGMC रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लिया और हमला करने वाले दोनों युवकों की तलाश आरंभ कर दी है। हालांकि हमलावर युवकों को पकड़ना पुलिस के लिए कठिन था, क्योंकि घायल मैनेजर दोनों हमलावरों को पहचान नहीं पाया था और ना ही घायल मैनेजर बोलने की हालत में था। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और वे दोनों हमलावरों की तलाश में जुट गई और कुछ ही घंटों में दोनों युवकों को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। फिलहाल ये दोनों युवक अब सलाखों के पीछे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हमलावर दो युवकों को उनके द्वारा पकड़ा गया है। ये दोनों अक्षत और प्रतीक, जिनकी उम्र 22 वर्ष है और सोलन में चंबा घाट में रहने वाले थे। अक्षत पहले सेंटा रोजा होटल में काम करता था और कुछ दिन पहले मैनेजर ने उसे नौकरी से निकाला था, जिसके चलते रंजिश में आकर अक्षत ने अपने साथी के साथ मैनेजर पर हमला कर दिया। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। थाना पे सूचना मिली थी कि कोई यहाँ पे हॉस्पिटल के पास झगड़ा हुआ है और कोई व्यक्ति इंजर्ड हुआ है। इस पे जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हॉस्पिटल गया तो वहाँ पे मिस्टर स्टीवन यादला हैं, जो कि यहाँ सेंटा रोजा होटल में मैनेजर हैं। उन्होंने पुलिस के पास स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया कि जब वो कल ड्यूटी ऑफ करके अपने घर जा रहे थे हॉस्पिटल के पास, तो पार्किंग में उन पे दो लड़कों ने अज्ञात थे, उनको उस टाइम वो पहचान नहीं पाए अंधेरे की वजह से, उन्होंने उनको किसी तेज धारदार हथियार से उनपे हमला कर दिया और उससे उनको गले के पास इंजरीज आई हैं। इस पे पुलिस ने 341-323 IPC के तहत केस दर्ज किया था। आज फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसमें जो दो लड़के हैं उनको गिरफ्तार किया है पुलिस ने। इनमें एक लड़के का नाम अक्षत सन ऑफ मदन लाल, 22 साल का है ये और ये चंबा घाट का रहने वाला है, और दूसरा लड़का जो है इसमें प्रतीक ठाकुर है, जिसकी एज भी 22 साल है, ये भी चंबा घाट का रहने वाला है। जांच पे ये पाया गया कि ये जो अक्षत है ये पहले सेंटा रोजा में ही काम करता था और 3-4 दिन पहले किसी वजह से इसको होटल से निकाला गया था और इसी रंजिश में इसने जो है मैनेजर पे हमला किया। और ये जो मैनेजर हैं अभी उपचाराधीन हैं और इनको यहाँ से IGMC रेफर किया गया है, जहाँ पे इनकी ट्रीटमेंट चली है और इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।